हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार पूरी एनर्जी के साथ पूरे जोश में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग में मैं कथन और पूर्वधारणाएं कथन निष्कर्ष पे भी दे चुका हूं। कथन और पूर्वधारणाओं पे इससे पहले एक वीडियो आ चुका है ऑलरेडी। उस वीडियो को इतने ज्यादा लोगों ने देखा है ना, मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ी, और क्योंकि उसमें डिमांड बहुत लोगों की थी कि एक और वीडियो बनाइए, और अच्छे से क्लियर होगा, ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और मैं अच्छी प्रैक्टिस करवा सकूं। दोस्तों, 3,23,000 लोगों ने एक महीने में वो वीडियो देखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक ही महीना एग्जैक्ट आज हुआ है उसको, और 10,000 से ज्यादा लाइक मुझे मिले हैं। डिसलाइक तो देखिए कहीं भी आपको मिल ही जाते हैं, पर 300-400 डिसलाइक के सामने 10,000 लाइक तो मतलब बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी बात है। भाई, किसी के लिए नहीं होती होगी वो अलग बात है, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला, और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट भी थे, सर ये चैप्टर कराइए रीजनिंग में, वो कराइए, जैसे किसी ने पूछा पासे कराइए, कैलेंडर कराइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी चैप्टर रीजनिंग में चाहिए मेरा, तो सारे चैप्टर में रीजनिंग के करवा चुका हूं। आप बस ये लिखना है, अगर आपको कैलेंडर चाहिए तो कैलेंडर लिख के अंकित भाटी डाल दो, आगे अगर आपको घड़ी क्लॉक का चाहिए तो क्लॉक लिख के अंकित भाटी लिख दो, और YouTube पे सर्च कर लो, बिल्कुल आपको मेरी वीडियो सबसे ऊपर दिख जाएगी। कोई भी चैप्टर, कोई हिंदी पढ़ने का इच्छुक है, किसी के एग्जाम में हिंदी आती है, तो वहां पे आप हिंदी में कोई भी चैप्टर का नाम लिख के, जैसे कारक लिखना है तो कारक अंकित भाटी लिख दो, कारक ये नहीं हिंदी में लिखना है, KARK ऐसे लिख दीजिए। संधि चाहिए तो संधि SANDHI संधि लिख के अंकित भाटी डाल दो, सब कुछ आ जाएगा। समास लिख के अंकित भाटी, सारे टोटली हिंदी करवा रखी है। मैथ का कोई भी चैप्टर चाहिए आपको, प्रॉफिट लॉस चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अंकित भाटी, कुछ भी आप डालेंगे सब कुछ मिल जाएगा। 3 सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए, ये तो बात रही इसकी। दूसरी बात दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चनों में कोई भी बच्चा 100% श्योर, सिर्फ ऐसी रीजनिंग यही है जिसमें ये कह नहीं सकता कि मैं 100% इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर सकता, 100% सही ही करूंगा, तो ऐसा इन क्वेश्चनों में तो कम से कम वो नहीं बोल सकता, ठीक है। मैं भी खुद को नहीं कह सकता, लेकिन 99% आप लोग इतना जरूर है एग्जैक्ट हो जाओगे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो अब आप देखिए दूसरी बात कि कथन और निष्कर्ष किन एग्जामों में आते हैं। आजकल आप कोई भी एग्जाम उठा लो, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से ज्यादा कथन पूर्व धारणाएं पूछी जा रही हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन या आर्ग्यूमेंट्स ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो जो कुछ हाथी बैल हैं, उस तरह के क्वेश्चंस जो है अब थोड़े से कम हुए हैं, इनका क्रेज बढ़ा हुआ है। रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, आपने वो अगर पिछली वाली वीडियो देख के दिया है नंबर 1, तो भाई उनमें आपको बहुत आइडिया दे दिया होगा, पर फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आपको देने वाला हूं, आपके दिमाग में बसाने वाला हूं, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन पे आता हूं। भारत ने एक दिवसीय किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 320 रन बनाए और पाकिस्तान को हरा दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, क्योंकि क्रिकेट के शौकीन लगभग इंडिया में सब हैं, ठीक है। तो ये इससे आपको पूरा बेसिक आइडिया, इस पूर्व धारणाओं का, संकल्पनाओं का, अवधारणाओं का, सब नाम एक ही है इनका, अनुमानों का, इन सब का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, कौन सा गलत करना होता है, कौन सा सही, क्योंकि इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैच है, 320 रन बनाए और पाकिस्तान हरा दिया। तो पहला अगर मैं कहूं ये गलत है या सही है, तो पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल सका। दोस्तों, मैं दोनों चीज कहूंगा, पूर्व धारणा भी और तर्क भी, तर्क मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी। पहले मैं पूर्व धारणाएं समझा रहा हूं, फिर आर्ग्यूमेंट समझाऊंगा। तो पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल सका, ठीक है। अब आप बताओ, कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल सका, सही है या गलत है? देखिए, 320 रन इंडिया ने बनाए हैं और पाकिस्तान को हरा दिया, तो ऐसा इतना जरूरी नहीं है, हो सकता है एक खिलाड़ी ने शतक भी मारा हो फिर भी पाकिस्तान हार गया हो, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल सका। हो सकता है कुछ तो जरूर अच्छे खेले होंगे, या इतना थोड़ी पता है। अगर हम कहें 50 पे ऑल आउट हो गई पाकिस्तान, तो तब भी हम तब तो कह सकते कोई भी अच्छा नहीं खेला, पर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए आप इस अजम्पशन को, इस पूर्व धारणा को गलत कर दोगे, ठीक है। चलिए, भारत के ऊपरी क्रम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, क्या आपको पता है ये 320 रन सिर्फ तभी बन सकते हैं जब ऊपरी क्रम चले? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऊपरी क्रम के 3-4 बल्लेबाज मान लो आउट भी हो गए हो, और बीच में आ गए हो कोई बढ़िया से बल्लेबाज,
हार्दिक पांड्या ने मार दिया हो मान लो दोहरा शतक जाके, तो भाई फिर भी भारत के 320 रन बन सकते हैं। जरूरी थोड़ी है हर बार सहवाग ही चले या शिखर धवन या रोहित शर्मा ही चले। तो ये भी ऊपरी क्रम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, इस बात को हम नहीं कह सकते, गलत है। पाकिस्तान के गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। अगर इस बात को सामूहिक रूप से देखा जाए तो क्योंकि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 320 रन बहुत होते हैं, और पाकिस्तान को के गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा इस बात को हम श्योरली कह सकते हैं, क्योंकि नहीं तो 320 रन नहीं बनते। अगर कहे पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं इस पूर्व धारणा को गलत मानूंगा, क्योंकि हो सकता है एक गेंदबाज ने 5वीं विकेट लिए हो फिर भी और पिट गए हो। तो जब किसी भी या कोई भी की बात आ जाती है तो वो ज्यादातर गलत होती है, जैसे यहां भी आ गई। पाकिस्तान का खिलाड़ी अच्छे नहीं खेल सके, ये बात कहता तो मैं शायद इसको सही कर देता। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेला, ये बात गलत है, ठीक है। पाकिस्तान के गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, ये बात ठीक है। पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, ये बात भी गलत है, ये गलत हो जाती। भारत के सभी बल्लेबाज अच्छे खेले, भारत के सभी बल्लेबाज, अब मुझे ये बताएं, भारत के सभी बल्लेबाज अच्छे खेले तभी 320 रन बनेंगे क्या? दोस्तों ऐसा नहीं है, हो सकता है दो लोगों ने 150-150 बना दिए गए, ये भी तो प्रैक्टिकल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी अच्छा खेले, सभी भी ज्यादातर गलत होता है, कोई भी ज्यादातर गलत होता है। जो सारी के लिए बात कही जाए, जो कोई भी या बिल्कुल नहीं या सिर्फ लगा दे, वो बातें ज्यादातर गलत होती हैं। इनमें 320 रन पर पाकिस्तान पाकिस्तान को जीतना असंभव था, चाहे वे कैसे भी क्यों ना खेलें। तो अब आप मुझे ये बात बताओ, ऐसा कुछ है 320 क्या ऐसा स्कोर है जिस पे कोई जीत नहीं सकता? अरे दक्षिण अफ्रीका 438 पे जीत गई थी, और क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, असंभव तो कुछ इसमें होता ही नहीं, ये तो आप सब लोग कमेंटर के मुंह से सुनते होंगे, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, देखिए ये आप कहो ये किताब में दी हुई अवधारणा, दोस्तों नहीं, किताब में सिर्फ इनमें से दो अवधारणा दी थी, वो कौन सी थी वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, पर आप ये देखिए, आपको ये सारी बातें, ये बन सकती है अवधारणा या नहीं, एक क्वेश्चन में कितनी अवधारणा निकाल सकता है, लेकिन पेपर में सिर्फ दो ही आती है, ज्यादा से ज्यादा तीन आ जाती है, ठीक है। तो मैं वो सारी संभावना दिखा रहा हूं आपको, कौन सी गलत होती है कौन सी सही होती है। तो भारत के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया, बताएं भारत के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की अपेक्षा, बिल्कुल सही बात है भाई, तभी तो हम उन्हें रोक पाए हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने 320 रन बनवा दिए, भारत के गेंदबाजों ने 320 से कम बनवाए होंगे, तभी तो पाकिस्तान हारा है। तो इसका मतलब भारत के गेंदबाज उनके गेंदबाजों से तो अच्छे हैं, ये नहीं है कि भारत के गेंदबाजों ने, मतलब ऐसा होता कुछ कि पाकिस्तान के गेंदबाजों को बिल्कुल, भारत के सभी गेंदबाजों का आता, सभी गेंदबाजों ने पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों की अपेक्षा, तो बात गलत होती, क्योंकि सभी तो हो सकता है ना हो, एक ज्यादा पिट गया हो, इनका एक बहुत कम पिटा हो, ठीक है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान के ओवरऑल की बात हो रही है, भारत के गेंदबाज ज्यादा अच्छे निकले हैं तभी तो वो 320 से कम पे रुक पाए हैं। भारत की फील्डिंग पाकिस्तान से अच्छी रही होगी, ये बात जरूरी नहीं है, हो सकता भारत ने दसियों के छोड़े हो, पाकिस्तान ने एक भी नहीं छोड़ा हो और चीजों में पिछड़ गया हो, तो ये जरूरी नहीं है कि भारत की फील्डिंग अच्छी रही हो तभी भारत मैच जीता हो, बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भी मैच जीता जा सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही बात समझ में आ गई होंगी। दो हमने निष्कर्षों को सही माना है इसमें, दो पूर्व धारणाओं को, वो क्यों माना है आपको समझ आ रहा होगा। पूर्व धारणा हमेशा वो सही माननी चाहिए जिसको एक भी ये ना कह सके ये बात तो नहीं लग रही, हर कोई उन दोनों बातों को यही बोलेगा। आप पढ़ लो फिर से कि पाकिस्तान के गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बिल्कुल तभी 320 रन बन पाए हैं, भारत के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया, तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही है, इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता। अब जरा कथन और तर्कों पे आता हूं मैं। दोस्तों कहने को इस वीडियो में मैंने 12 क्वेश्चन हल किए हैं, पर ये भी सारे क्वेश्चन ही हैं, तो आप इसको देखोगे ओवरऑल तो 25 क्वेश्चन से ज्यादा है, तो थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी चला जाए तो आप परेशान मत हुआ करिए प्लीज, है ना, क्योंकि लंबा वीडियो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, बहुत कुछ दे के जाएगा मैं बोल रहा हूं। तो क्या शादी जैसी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए? अब देखिए कथन है किताब का, क्या शादी जैसी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए? कथन और ये आर्ग्यूमेंट तर्क चलेंगे उस पे कि हाँ या ना। अब बात देखिए, इस सवाल को देखते ही हमें क्या सूझ रहा है उत्तर इसका? नहीं भाई नहीं, ये बात तो गलत सी लग रही है, शादी जैसी प्रथा समाप्त नहीं होनी चाहिए, तो नहीं वाला कथन सही होना चाहिए। अब आप तो नहीं वाले के सारे सही लगा दे, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, हाँ वाला भी एक आध सही हो सकता है,
ऐसा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे जो तर्क लिखा है उसको पढ़ना है अच्छे से। ये बात तो समझ पा रही, नहीं वाला ज्यादा ठीक बैठेगा, पर भाई तर्क से पे भी डिपेंड करता है। क्या शादी जैसी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए? क्यों कर देना चाहिए? एक भी बच्चा ये ना बोले उसको पढ़ के, एक भी आदमी असंतुष्ट ना हो, ये बात नहीं गलत सी लग रही है, आप सबको लगनी चाहिए ये बात, बिल्कुल ये बात तो है। तो क्या शादी जैसी प्रथा को अभाव? हाँ, अब दरारें जल्दी ही पड़ने लगती हैं। हाँ, ये बात तो तुम्हें लग रही होगी कि भाई आजकल ज्यादा फूट फटाव चल रहा है, पर कोई शादी तो बहुत अच्छी भी चलती है। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह फटाव चलते हैं, इस वजह से खत्म कर दो आप शादी को, ऐसा तो गलत बात है, ठीक है। हाँ, क्यों कर देना चाहिए? सभी को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है दोस्तों, जीवन स्वतंत्र जीने का और शादी का थोड़ा सा रिलेशन तो है। मैं मानता हूं कि भाई इसमें दोनों मिलजुल के चलेंगे, लेकिन उसमें शादी के बिना स्वतंत्र आदमी जीता है, पर ऐसा तो नहीं है कि स्वतंत्र जीवन नहीं जा सकता शादी के बाद। हो सकता है और अच्छा स्वतंत्रता से जी सकें, भाई पत्नी तो वैसे भी पति को दबा के ही रखती है, तो वैसे ही स्वतंत्र हो गया, पत्नी तो वैसे ही स्वतंत्र हो गई, ठीक है ना। तो फिर पत्नी पति परतंत्र हो गया, और अगर पति उसको दबा के रख रहा है तो भाई पत्नी आपको पता ही है क्या हो गई। तो ये सब चीजें देखिए, मैं आपको कहूंगा ये भी गलती आप मानो, फिर भी इस पे जिरह करने वाले जिरह कर सकते हैं, पर मैं कहूंगा नहीं, ये बात भी गलती कहूंगा। हाँ, इससे ज्यादा खुशहाली आ जाएगी, खुशहाली, शादी नहीं होगी तो ज्यादा खुशहाली रहेगी, ऐसा क्या बात है भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, शादी के बाद भी लोग खुशहाल रह सकते हैं, रहते हैं। हाँ, शादी से सिर्फ पुरुष ही खुश रहते हैं, ऐसा कोई बात है क्या? ये तो बात गलत है, सिर्फ बोल दिया है तो वैसी बात गलत है, महिलाएं भी बहुत खुश रहती हैं, ठीक है। एक उन्हें अपना जो है मतलब चलो छोड़ो, मैं बात तो बहुत अच्छी ध्यान आ रही है पर छोड़ो, ठीक है। हाँ, इससे महिलाओं का शोषण होता है, इससे महिलाओं का शोषण होता है क्या शादी से? हमेशा महिला हर जगह महिलाओं का होता तो है, लेकिन ये सभी के परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। अगर कहता हाँ इससे कुछ महिलाओं का शोषण होता है तो मैं बात को सही कहीं काफी हद तक कह सकता था, लेकिन फिर भी यही कहता शादी इस वजह से खत्म नहीं करनी चाहिए, कुछ की वजह से ही कर दे, तब भी मैं इसको गलत ही कहता, ठीक है। सारे गलत हो गए हाँ वाले, तो अब आप आ जाओ नहीं, अब नहीं वाले में एक आज सही हो सकता है, देखते हैं। यह समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है, देखिए ये बात तो तय है, क्योंकि समाज तभी बनता है देखिए जब आपका कोई चाचा हो, ताऊ हो, फूफा हो, फूफी हो, ये सब कब बनेंगे? जब शादीशुदा होंगे, वरना तो कौन किसका बच्चा, किसको क्या पता लग रही है, चाचा कौन, ताऊ कौन और पापा कौन, तो फिर क्या पता लग रही है भाई, है ना। तो फिर परिवार ही कहां बना, नहीं बनेगा, समाज नहीं बनेगा। तो मैं कहूंगा सॉरी, ये बात बिल्कुल सही कहूंगा इस बात को, नहीं, ऐसा करने से जनसंख्या बढ़नी बिल्कुल बंद हो जाएगी भाई, जनसंख्या क्या बिल्कुल बंद हो जाएगी? मुझे तो लग रहा है शादी ना हो तो फिर तो किसी को किसी की चिंता ही नहीं है, फिर तो हो सकता है, देखिए ये गलत मत लेना, हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए वो तो आपको पता है, ठीक है। तो ये तो कवाई बात बिल्कुल गलत है भाई, शादी हो नहीं रही तो फिर तो बच्चे भी ना होंगे, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। चलिए नहीं, पारिवारिक सुख का अंत होगा, तो शादी इसलिए नहीं खत्म करनी चाहिए, पारिवारिक सुख का अंत हो जाएगा। देखिए परिवार का जो सुख होता है वो बच्चों से, पति से, माँ से, बाप से, सास से, ससुर से, तो वो परिवार तो रहेगा ही नहीं, पति कौन है पता ही नहीं है, ठीक है। बच्चा भी अपने भैया रोटी खा खा कमा बड़ा कर दिया, बहुत है, तो पारिवारिक सुख माँ नहीं है, बच्चे का बाप नहीं, पता नहीं क्या है, तो पारिवारिक सुख तो खत्म ही हो जाएगा, इसलिए खत्म भी नहीं करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। नहीं, रक्त संबंधी रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रक्त संबंधी किसके, कौन से रिश्ते होते हैं? चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, ये सब रक्त संबंधी आपने पढ़े, ब्लड रिलेशन रीजनिंग पढ़ी है, बिल्कुल ये बात भी सही है। ये सब रिश्ते तभी तो हैं जब आपका कोई कुछ लग रहा है, अब आपका मम्मी लग रही है, मम्मी का ही पापा नहीं है, उन्हें पता नहीं है कहाँ पापा, तो भाई वो तो रिश्ता नाना है तुम्हारा लगेगा कौन, तो रिश्ता खत्म, ठीक है। तुम्हें अपना पापा का नहीं पता तो बुआ का कैसे पता चलेगा, तो रक्त संबंधी रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ना दादा का पता लगेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं पता लगेगा। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण का अच्छा उपाय है, देखिए जनसंख्या नियंत्रण हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है अनियंत्रित हो जाए, ये भी तो चांस है,
तो हंसी की बात है, पर देखो समझ में आनी चाहिए। ये बात गलत कहूंगा मैं कि जनसंख्या नियंत्रण का ये अच्छा उपाय, और भी बहुत सारे उपाय हैं सरकार कर रही है, नहीं तो शादी ही ना खत्म कर देती अगर ये अच्छा उपाय होता। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, वो भी आपको समझ में आ गया। हाँ नहीं में इनके जवाब दिए जाते हैं, कौन कौन से सही किए हैं वो आप समझ सकते हैं। अब 15 मिनट इनको समझाने में लगाई है मैंने, दो क्वेश्चनों को, आगे थोड़ा तेजी से चलेंगे। यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है। अब आप इस बात को पढ़ चुके हैं, एक सुचित्रित कलाकार हैं तभी है हमारे पास आपके लिए एक कार्य है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। फिर तो आप मतलब कुछ भी घास खोदो, हमें क्या पता। अनुमान पे आ जाइए। अब अनुमान क्या है, अनुमान क्या कह सकते हैं, अगर ये आदमी ऐसा कह रहा तो इस बात से क्या अनुमान निकाला जा सकता है। आप एक सुचित्रित कलाकार हैं भाई, वो पूछ रहा किसी से, तो इसका मतलब वो एक यानी मुझसे पूछ रहा, तो क्या मैं एक सुचित्रित कलाकार हो जाऊंगा अगर वो पूछ रहा है तो। नहीं, ये बात तो जरूरी नहीं है, हो सकता हो सकता है ना हो, है तो नौकरी है नहीं तो जाओ। हमको एक सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता है, क्या ये बात निकाली जा सकती है इस बात से। हाँ भाई बिल्कुल निकाली जा सकती है, क्योंकि उनको एक सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता है, तभी तो उसी के लिए काम है उनके पास, है ना। नहीं तो किसी और के लिए भी तो कह सकता था, आप आ जाओ नौकरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत, हमें तो काम चाहिए, बेलदारी करवानी है। अरे सुचित्रित कलाकार है यार, चित्रकारी बनवा रही है हमें, तुम हो तो आ जाओ। तो इसका मतलब एक कलाकार की आवश्यकता है, कि काम है उसके लिए। तो अब इसमें ऑप्शन कैसे होंगे, आपको पता है केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, और फर्स्ट व सेकंड दोनों ही नहीं निकलते। तो अब आप कहेंगे केवल सेकंड सही है, जिस भी ऑप्शन में होगा वैसे लगा देंगे। तो चार ऑप्शन इस तरीके से आएंगे। चौथा क्वेश्चन, ऑप्शन देखने कैसे आते हैं तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया, फर्स्ट वीडियो भी देख लेना। तो भी बताता हूं अगला कथन, सफल व्यक्ति में स्वयं को ठीक परखने की योग्यता होती है। दोस्तों रेलवे में क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं ये वीडियो, और करेंगे भी आगे, यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है ये री एग्जाम में, तो मैं बताता हूं आपको बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत ज्यादा, आप इनको ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। और भी जो एग्जाम हो रहे हैं आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं ये चीजें, तो जरूर आप इसको अपने कमेंट में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगे, ताकि मैं और अपने आप में सुधार कर सकूं। और कथन, सफल व्यक्ति में स्वयं को ठीक परखने की योग्यता है, तो जरा देखिए अनुमान में, अन्य व्यक्तियों को परखने से सफल व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है, ऐसा कोई बात है। सफल व्यक्तियों को स्वयं को ठीक परखने की योग्यता होती है, बात तो सही है, अपने आप को अच्छे से परख सकता है, लेकिन अन्य व्यक्तियों को परखने से सफल व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है, ये बात तो मैं कैसे कह सकता हूं भाई। किसी को वो परख भी सकता है, किसी को नहीं भी, और लाभ है या नहीं है इस बात से क्या मतलब है भाई, ये तो कहीं कहीं लाई नहीं करती, ठीक है। दूसरी बात, सफल व्यक्ति कभी भी गलत परख नहीं कर सकता, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सफल व्यक्ति स्वयं को ठीक परखने की योग्यता जरूर होती है, पर कई बार तो स्वयं को भी गलत परख लेता है, योग्यता ही तो है भाई, तुम में 12वीं पास की योग्यता है, पर 12वीं के ऐसे थोड़ी है तुम सवाल पर अटक ही नहीं सकते, तो अटक सकते हो ना, वही तो बात है। तो योग्यता ही तो है, वो तो स्वयं को भी गलत परख सकता है, दूसरे को तो कभी कभी भी गलत नहीं परख सकता, कभी नहीं वाले तो वैसे ही गलत होते हैं कि कभी नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीजें गलत होती हैं। मूसलाधार वर्षा होने के बावजूद भी इस वर्ष रेलों की सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आप आ जाइए, अब आप इस बात को समझ गए, मूसलाधार वर्षा हुई उसके बावजूद भी रेल की सेवा प्रभावित नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं रेल की सेवाओं को प्रभावित करती है मूसलाधार वर्षा। तो तभी तो कह रहे हैं भाई, तभी कहेंगे उस बात को अचरज से भाई, नहीं हुई है ना, खूब बारिश हुई फिर भी नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं होती थी। तो रेलों की सेवाएं वर्षा ऋतु में सदैव प्रभावित होती हैं, ये बात सही है क्या, सदैव प्रभावित होती है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। वर्षा ऋतु बोल दिया एक, तो वर्षा नहीं बोला, वर्षा ऋतु तो चल रहा है, मान लो अगस्त भी है और जुलाई भी है और सितंबर भी, ऐसा भी है कि वर्षा ऋतु में वर्षा ही नहीं हुई, अब बात तो सूखा ही पड़ गई, तो वर्षा ऋतु तो चल रही है लेकिन सूखा ही पड़ गई, फिर काहे की प्रभावित हुई भाई, फिर कहां प्रभावित, फिर तो बिल्कुल ही ना होंगी। ये कह रहा सदैव ही प्रभावित होती है, तो बात गलत हो गई ना। मूसलाधार वर्षा प्राय रेलों की सेवाएं प्रभावित करती हैं, प्राय जो वर्ड लगता है ये तो वाकई में सही करवा देता है सवाल को, प्राय मतलब कभी कभार,
मूसलाधार वर्षा रेलों की सेवाओं को प्रभावित करती है। बात बिल्कुल सही है, साफ ऊपर यही बात कही गई है कि मूसलाधार वर्षा हुई तब भी रेलों की सेवाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब वो जरूर करती होंगी, कहीं ना कहीं प्रभावित, तभी ये बात कही गई है ऊपर वाली। छठी बात, कथन और निष्कर्ष दे दिया, इसका नाम लिख के निष्कर्ष कह दे, अनुमान कह दे, पूर्व धारणा कह दे, सब कुछ कह सकता है इनको। तो चूंकि मैं अपनी स्वीकृति शीघ्र चाहता हूं, हालांकि निष्कर्ष वे भी होते हैं, कुछ घोड़े गधे हैं वो भी निष्कर्ष ही हैं, पर ये इस तरह के भी निष्कर्ष होते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो चूंकि मैं अपनी आपकी स्वीकृति शीघ्र चाहता हूं, मुझे फोन द्वारा सूचित करें, शीघ्र चाहिए स्वीकृति, इसलिए फोन पे ही सूचित कर दें, नहीं तो तुम लेटर भेजो, चिट्ठी भेजो, कई दिन में जाएगा लगेगी, तो शीघ्र चाहिए मुझे। तो अब देखो, फोन केवल शीघ्र सूचना देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, एक तो केवल लग गया या सिर्फ लग गया, एक ही बात होती है। फोन केवल शीघ्र सूचना मतलब जल्दी सूचना देनी है तभी हम फोन, हाँ ये बात सही है, किसी की मौत हो गई अचानक से तो घर पे फोन कर दिया, भाई आ जाओ, पहले तो रिश्तेदार जाएगा एक और वो कहेगा भाई वो मर लिया, अच्छा कौन कौन मर लिया यूं बता दोगा हमें, ये मर लिया, चलो सबका कुल्ला एक गैली कर आएंगे। तो इस तरीके से चलता था काम, है ना, कुल्ला मतलब उनका जो वो होता है शोक में बैठना, वही कुल्ला होता है हमारी देसी भाषा में। तो शीघ्र सूचना देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या केवल नहीं, देखो ऐसा भी राजी खुशी भी पूछ ले, और ऐसा भी है भाई इस काम कर लियो उसे कर लियो, तसल्ली सु बात करने के लिए भी किया जाता है। कई बार तो भाई हमारे घर ये रोटी बनी है, तुम्हारे घर क्या सब्जी बनी है, ऐसी सूचनाएं फालतू की में भी फोन यूज कर रहे हैं, तो ये बात तो गलत कहूंगा मैं, ठीक है। और आप भी विस्तृत सूचना फोन द्वारा दी जानी चाहिए, मतलब जो बड़ी बड़ी सूचना वो फोन पे ही दी जानी चाहिए, ऐसा क्या भाई, वो तो खूब टाइम खाएंगी और मतलब और टाइम खाएंगी और तुम घंटा घंटा बतलाए जाओगे, न्यूल पढ़ पढ़ के सुनाए जाओगे, और वैसे तो विस्तृत सूचना फोन पर दी जानी चाहिए, मतलब सारी सूचनाएं, अरे भाई कई पेज की सूचना कोई उसे फोन पे कैसे दे देंगे, मतलब अखबार कोई पढ़ के फोन पे ही सुना लगे किसी है, तो सूचना ही तो उसमें, तो वो अच्छी बात है कोई फोन पे, ये गलत बात है भाई, अखबार भिजवा दिया ठीक है, फोन पे क्या समझ में आएगा, है नरेंद्र मोदी की बात चल रही, फोटो छपी ना रहा फोन में, तो क्या आपको समझ में, अब देखो ये सब, अब आप कहने लगो डिजिटल फोन चल रहे हैं, फोटो खींच के भेज देंगे अखबार में, अब फोन कॉल की बात कर रहा है, इतने डिजिटल तुम मत बनो कम से कम, ठीक। यदि आप सुंदर हैं तो हम आपके सौंदर्य को ग्रहण कर लेंगे, वाह वाह क्या बात है, आपके सौंदर्य को ग्रहण कर लेंगे कैसे, यदि आप ऐसे नहीं है तो हम आपको सुंदर बना देंगे, वाह क्या बात कही है, एक फोटो स्टूडियो का विज्ञापन, और मजा आ गया ये देखकर कि फोटो स्टूडियो के बाहर लिखा था कि यदि आप सुंदर हैं तो आपके सौंदर्य को हम ग्रहण कर लेंगे, मतलब आप सुंदर हैं, हमारे फोटो स्टूडियो में फोटो लगे रहे ना उनमें चिपका देंगे एक आपका, ये हो गया ग्रहण। और अगर आप सुंदर नहीं है, आप ऐसे नहीं है, तो हम आपको अपने फोटो ऐसे मतलब साफ सफाई दिखाएंगे कि आपको सुंदर बना देंगे, ठीक है। तो अब क्या निष्कर्ष निकला इस बात से, एक फोटोग्राफर सुंदर हो सकता है, फोटोग्राफ सुंदर हो सकता है चाहे व्यक्ति सुंदर न हो, ये बात तो मुझे लग रही है ठीक सी, क्योंकि फोटोग्राफ ऐसा होता है कई बार, और ये कह भी यही रहा कि भाई आप कैसे भी हो, आप सुंदर ऐसे नहीं है तो हम आपको सुंदर बना देंगे, मतलब फोटोग्राफ सुंदर ही लगेगा चाहे आप कैसे भी हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है फोटो स्टूडियो के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है ना, लोग सुंदर दिखना पसंद करते हैं। अच्छा बात देखो, फोटो स्टूडियो विज्ञापन क्यों आई है उसके दिमाग में बात, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, इसलिए उसने ये दूसरी बात कही है कि हम आपको सुंदर बना देंगे। अगर कोई कहे ना मुझे तो बुरा ही लगना, वो क्यों जाएगा इसके पास, फिर ये विज्ञापन ही क्यों लगाता, किसी को बुरा लगने का ही शौक है, मुझे विलन ही लगना, तो भाई ये जो बात है इसलिए कही गई, लोग सुंदर दिखना पसंद करते हैं, हर आदमी कोई चाहता मैं ऐसे रहूं, ठीक है दोनों सही है। कथन और परिकल्पना आ जाओ, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में पूर्ण संशोधन की आवश्यकता है, जरा देखिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली समयातीत हो चुकी है दोस्तों, पूर्ण संशोधन, थोड़ा बहुत संशोधन चल जाए तो कोई बात नहीं, हो तो किसी में भी संविधान में भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे लगने लगेगा कि भाई पूर्ण संशोधन करना, सारा संविधान ही बदल के फेंकना, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बीते टाइम की बात हो चुकी है, और ऐसा पहले होता होगा लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली समयातीत मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है और अब वो आज के टाइम को सूट नहीं करती, तभी हम पूर्ण संशोधन करेंगे, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है,
ठीक है, परीक्षा प्रणाली जो भी है, पूर्ण संशोधन से सुधार होता है। दोस्तों बताओ, अगर संशोधन कर दें क्या अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, कई बार संशोधन किया फिर वापस लेना पड़ गया संशोधन, ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही रहे। तो एक बिल्कुल सही है, दूसरा मैं कहूंगा गलत है, ठीक है। लेकिन अगर ये होता, पूर्ण संशोधन हमेशा सुधार के लिए किया जाता है, हमेशा सुधार के लिए किया जाता है, अगर ये बात होती तो मैं कहता एकदम सही है, क्योंकि पूर्ण संशोधन क्यों कर रहे हैं हम, संशोधन क्यों आई दिमाग में बात, ताकि हम कुछ सुधार ला सके परीक्षा प्रणाली में आज के टाइम के हिसाब से, तो सुधार के लिए होता है, लेकिन सुधार ही होता है ये बात गलत है, ठीक है। सुधार के लिए होता है ये बात बिल्कुल सही है, संशोधन इसीलिए किया जाता है, परिवर्तन इसीलिए किया जाता है ताकि सुधार लाया जा सके। चलिए अच्छे दिमाग से नवा कथन और तर्क आर्ग्यूमेंट देखते हैं हम, क्या टेलीफोन सेवाओं को चालू रखने के लिए निजी संस्थाओं के अधीन कर देना चाहिए? बताओ क्या है इसमें तर्क? हाँ, विकसित देशों में यही टेलीफोन सेवाओं को चालू रखती हैं। भाई टेलीफोन सेवाओं को प्राइवेट कंपनी को देने की बात कर रहा है, क्या ऐसा कर देना चाहिए? क्यों कर देना चाहिए? हाँ, इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि जितने भी इंग्लैंड है या यूरोप में जो कंट्री है वो सब ऐसा ही करते हैं, अमेरिका भी ऐसा ही करता है, निजी कंपनी को हाथ में दे रखा है, तो हम भी ऐसा ही कर दे क्या? नहीं दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था अलग है, उनकी अलग है, और बहुत सारी कंडीशन है, उनके लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है, क्या उन्होंने ऐसा कर रखा है तो हम ऐसा नहीं, वरना तो अगर ऐसा ही अच्छा होता तो हम कब के कर चुके होते। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है, उनकी तर्ज पे हर चीज उनकी नकल पे नहीं की जा सकती, वहां की सोच अलग है, वहां की कल्चर अलग है, ठीक। नहीं, निजी संस्थाओं के हाथों में यह कार्य देना सुरक्षित नहीं है, क्या यह बात अब सही है? निजी संस्थाओं को दे दिया तो यह कार्य बेकार, मतलब सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि निजी संस्था मतलब आपकी बात को जो है वो मतलब ओपन कर देंगी या फिर दिक्कत कर देगी या आपकी सीक्रेट बातों को खोल देंगी, उनको भरोसे के लायक नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं, बहुत लोग इसको सही मान लेंगे, मैं बता रहा हूं, पर मैं सही नहीं मानता और किताब भी सही नहीं मानती जहां से मैंने लिखा है, मैंने भी इसको चेक किया था, क्योंकि मैं भी 50-50 था इसमें, क्योंकि अब आपने शक जता दिया निजी संस्थाओं के, तो बस की ये काम नहीं है इसकी सुरक्षित रख सके अपने डाटा को। दोस्तों निजी संस्था ही अच्छे से सुरक्षित रखती है, सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो सरकार भी निजी संस्थाओं से ही तो काम करवाती है, जैसे आपका पेपर लेना है, यूपी पुलिस का लेना है या टेट का लेना है या जो भी एग्जाम आपका लेना है, रेलवे का लेना है, तो वो भी तो निजी संस्थाओं को ही देता है, कोई TCS कंपनी को, कोई और किसी कंपनी को, तो भाई वो क्या करता है, वो यही तो काम कर, निजी आपकी सुरक्षित है तभी तो उनको दिया है, नहीं है सुरक्षित अगर ऐसा ही पता हो फिर ना तो आप देने दोगे उनको और ना वो दे पाएंगे, तो इसलिए ये बात भी गलत है, उन पे आपने ज्यादा क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं इस बात को गलत मानूंगा, उन पे भरोसे के लायक नहीं, समझी आपने, वो खूब है भरोसे के लायक, ठीक है। वर्तमान बैंकिंग में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है हाँ, उसकी भरोसे के लायक इसलिए, आप कस्टमर केयर से किसी की आईडी पूछो, इस नंबर से फोन है, बताओ किसकी आईडी किसका एड्रेस, बताते हैं वो आपको, कितने जोल लगा लो बताएंगे ही नहीं, एक बार को सरकारी तो आदमी बता दे, अजी इतने पैसा ले लिए बता दो, तो वो तो आजा पहले फोन पे बात ना होती ऐसी, यहाँ को आजा मेरे पास को, जब ऐसा बतला देता हो, अरे ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि सभी ऐसे होते हैं, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूं। वर्तमान बैंकिंग में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है जरा देखो, हाँ क्योंकि तभी उपभोक्ताओं को की सेवाओं में वृद्धि हो सकती है जो सर्वोपरि हैं, उपभोक्ता सर्वोपरि है, बात बिल्कुल सही है बैंक के लिए, ठीक है, जो उसके ग्राहक होते हैं, और उनकी सेवाओं में वृद्धि हो सकती है क्या कंप्यूटरकरण करने से? बिल्कुल हुई भी है, कंप्यूटरकरण हो भी गया है, बहुत कुछ हो गया है, आपको दिखता है आपके जो बैलेंस, पहले आप पासबुक में एंट्री करवाते थे, आजकल मैसेज से पूरी डिटेल आ जाती है, हर चीज का मैसेज आता है, हर चीज की आपके अकाउंट की डिटेल ले सकते हो, तो भाई घर बैठे सारी चीज हो रही है, तो कंप्यूटरीकरण का फायदा है ना, तो सर्वोपरि है उपभोक्ता, बिल्कुल सेवाओं में वृद्धि हो रही है, चाहे वो बैंक अलग बात है, हमारे लिए हमारे से साल का एक चार्ज करता है मैसेज लाने का, आपके अकाउंट बैलेंस चेंज करने का, वो अलग बात है, सेवा चार्ज तो हम देते ही हैं, सेवा शुल्क। चलिए तो पहला बात बिल्कुल सही है, नहीं ऐसा करने से बैंक कर्मचारियों के आपसी संबंध में गिरावट आएगी, क्या ये बात सही है? अरे उनके आपसी संबंध से कौन बिगाड़ रहा, ये बेकार की बात, आपसी संबंध का तो मतलब ही ना कंप्यूटरीकरण से, ये तो बेकार की बात है, तर्कहीन है एकदम। रंगीन टेलीविजन भारतवर्ष में लाया जाना चाहिए, क्यों? हाँ लाया जाना चाहिए, लाया जाना चाहिए, ये तो बात मैं भी कह रहा हूं भाई, लाया तो जाना चाहिए, क्योंकि यह विदेशों में लाया गया इसलिए, अरे नहीं भाई,
ये बात तो बेकार की बात है भाई। यहाँ के लोग अच्छा देखेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छा पहनावा सीखेंगे, जब रंग ही नहीं है पहनावे में तो कैसा। तो हर चीज कल्चर में भी फर्क आएगा, लोग डेवलप होंगे, हर चीज को समझाया जा सकता है। देखिए सूरज का कलर लाल होता जा रहा है तो ये क्या कारण है, परावर्तन है आंतरिक। तो ये जब लाल ही नहीं दिखेगा, वो तो सफेद सफेद ही चमक रहा है सूरज का कलर, तो क्या परावर्तन समझ में आएगा, क्या आपको प्रकीर्णन समझ में आएगा, बेकार की बात है। तो मतलब टीवी लाया जाना चाहिए, ज्ञान वृद्धि होती है, बहुत अच्छी चीज है, हर चीज की क्लैरिटी आती है। लेकिन विदेशों में लाया गया इसलिए लाया जाना चाहिए, तर्क अच्छा नहीं है, इसलिए मैं गलत कहूंगा। नहीं, भारतवर्ष के इसके खर्चे को वहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। अरे ये इतना महंगा कोई करोड़ों में ही आएगा बिल्कुल, एक एक आदमी को जो सहन नहीं कर पाएगा, कोई खरीद ही नहीं पाएगा। यूं कहना चाह रहा है इनडायरेक्ट वे में कि भारतवर्ष खर्च नहीं सहन नहीं कर सकता, इसका मतलब आप सहन नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं खरीद सकते। ऐसा तो नहीं है, अब तो घर घर गए। ले हमारे यहाँ आकर देखो अंग्रेजन ने कैसे कैसे क्वेश्चन बना दिए, वहीं से आया होगा क्वेश्चन पक्का। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ग्रामीण भारत में, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ग्रामीण भारत में भी कृषि मशीनों द्वारा होनी चाहिए, हाँ इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। ग्रामीण भारत में बिल्कुल कृषि से द्वारा मशीनों द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए, उत्पादन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मैं भी सही कहता हूं, उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, बिल्कुल वृद्धि होगी और मशीनों से होती है, तभी तो मशीन युग आया है। पर इस बात पर कुछ लोग संदेह भी जता सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि मशीनों से काम अच्छा ही हो और पैदावार ज्यादा ही हो। ये बात देखिए, मैं फिर भी ज्यादा लोग किसके पक्ष में रहेंगे, मशीन के पक्ष में, मशीनों से वृद्धि तो होती है, ठीक है। पहले हाथ से बीज बिखेरा जाता था खेतों में, किसान समझ जाएंगे, और सीट रोल से बीज बिखेरा जाता है, अब एक आती है मशीन, तो उससे थोड़ी वृद्धि तो हुई है, ऐसी तो बात नहीं है। तो मशीनों से खेती होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं, ठीक है। नहीं, अनेक ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे, भाई देखो ये तर्क तो बात सही, ये बात तो सही है, अनेक ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, अनेक ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे आजकल कंपास चल रही है, खेतों में गेहूं को काट देती है, और पहले काटती थी लेबर, तो मतलब 8-7 आदमी लगते थे, 4-5 आदमी लगते थे, और अब एक मशीन 1 घंटे में काट जाती थी, इनको 4-5 दिन का रोजगार मिलता था 4-5 आदमी को, उसी खेत को काटने में ये 1 घंटे में काम को कर देती है, तो कितनी उनकी मजदूरी घटा दी इसने, है ना। काम जल्दी चाहिए किसान को, इसलिए वो मशीन लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेरोजगार तो हो जाएंगे, लेकिन इस वजह से हम मशीन ना लाएं, मशीन युग ना लाएं, नहीं दोस्तों, हमें उत्पादन में वृद्धि चाहिए, और सरकार यही चाहती है, ग्रामीण जो बेरोजगार हुए उनको कहीं और रोजगार दे, ये बात अलग। तो हम इस बात को ये बात तो सही है बेरोजगार होंगे, पर नहीं लाए ये बात गलत है, ठीक है। दोनों बातों पर डिपेंड करता है हमारा तर्क, ठीक है। तो फर्स्ट एकदम सही है, मैं कहूंगा फर्स्ट एकदम सही है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा जो भी मैं समझाना चाहता था। एक आध कहीं गलती हो गई हो, मुझसे मिस्टेक हो गई हो, वैसे हुई नहीं है, अगर हो गई हो तो माफ करना दोस्तों, आपका तर्क हो सकता उसमें अलग हो, मैंने अलग दे दिया हो, तो माफ करना, क्योंकि मैं बुक के हिसाब से भी चला हूं, अपने हिसाब से भी चला हूं, कई जगह क्रॉस चेक करके भी चला हूं, और अपने आप प्रैक्टिस करके भी चला हूं, तो इसलिए आपको आंसर बताएं, कोई गलत बताने की कोशिश नहीं है दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, बहुत उम्मीद है मुझे आपसे। बाय बाय, तब तक।